नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार फटाफट। काशी के संतों ने देखी फिल्म द केरला स्टोरी। संतों ने कहा कि फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्मांतरण कराया जाता है। साथ ही इस फिल्म को घर घर में देखने की अपील भी की। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठा रही है कई अहम कदम। इसी के अंतर्गत यूपी में बनाई गई है बिजली सखियां। शहर से लेकर गांव तक ये बिजली सखियां ग्राहकों से बिल जमा करा रही हैं। वाराणसी के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से इन बिजली सखियों ने 3 करोड़ से अधिक का बिल कलेक्शन कराकर विभाग को बड़ा लाभ पहुंचाया है। लगातार खराब होते मौसम के चलते चारधाम यात्रा प्रभावित, फिर भी श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार। 25 लाख के करीब पहुंचा भक्तों के पंजीकरण का आंकड़ा। अब तक 4 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं चार धामों की यात्रा। यूपी के नोएडा में बनकर तैयार हुआ वेदों की जानकारी देने वाला अनोखा पार्क। गौतम बुद्ध नगर का यह पहला ऐसा पार्क है जो हिंदू धर्म के 4 वेदों और सप्तऋषियों के बारे में बताएगा। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर किया देश का नाम विश्व भर में ऊंचा। दोहा डायमंड लीग किया अपने नाम। पिछली बार चोटिल होने के कारण नहीं ले सके थे दोहा डायमंड लीग में हिस्सा। पढ़ाई के बाद भी नौकरी न मिलने पर यूपी के लखनऊ स्थित बाराबंकी के अरविंद ने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए दोस्तों की सलाह पर खोला पोहा स्टॉल। अब दूर दूर से आते हैं ग्राहक अरविंद के पोहे का स्वाद चखने। यूपी के अमेठी में लगातार किया जा रहा है लोगों को रोजगार अभियान से जोड़ने का प्रयास। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जगह जगह खोली जा रही है प्रेरणा कैंटीन, जहां पूरी शुद्धता के साथ बाजारों से कम दामों में उपलब्ध कराया जाता है भोजन और नाश्ता। एससीओ बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद पर की बात। कहा सीमा पर आतंकवाद समेत इसके सभी स्वरूपों का किया जाए खात्मा। आज के समाचारों में बस इतना ही। हम फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।